नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज पंचदश नामी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी का पार्थिव शरीर आज उनको समाधि दी गई हरिद्वार में, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका जो अंतिम संस्कार हो वो उत्तराखंड की पावन धरती पर हो। कौन थे पायलट बाबा और इतने कैसे चर्चित हो गए? एक लड़ाकू पायलट और अचानक सन्यासी बन गए, और सन्यासी भी ऐसे बने कि सारी दुनिया उनको देखती रह गई, लेकिन बाद में वो अकूत संपत्ति के मालिक भी बन गए। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र, और डॉक्टर साहब ने पायलट बाबा का 2 बार इंटरव्यू लिया था, तो उनकी जो अंतरंग बातें हैं उनसे उन्होंने उस ज़माने में आज से करीबन 20-25 साल पहले 2 बार उनसे बात की, उन्होंने क्या क्या बात की और उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पायलट बाबा से उस वक्त मुलाकात की जब उनका परचम लहरा रहा था, और उनके बारे में अलग अलग कहावतें हैं। एक कहावत है कि जब इंदिरा गांधी के वो पायलट थे, मतलब चूंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका जहाज़ सेना का ही होता है, वायुसेना का जहाज होता है, पायलट वायुसेना का होता है, तो उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई थी कि वो सन्यासी बन गए थे। एक कहानी ये आती थी कि जब वो लड़ाकू जहाज उड़ा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, तो तब उनका जहाज़ वो संकट में फंस गया था, और फिर एक उनको एक दिव्य आत्मा दिखी थी जो उन्होंने उसका उनका जहाज उतार दिया। अलग अलग कहानी है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपने वो उनके मुंह से सुना है वो बातें। देखिए, दरअसल पायलट बाबा को लेके जो दो कहानियाँ आप बता रहे हैं दोनों ही सही हैं। पायलट बाबा का जन्म सासाराम में हुआ था, बिहार में, जी और उसके बाद उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री BHU से की, बिल्कुल और इनकी सहपाठिनी थी नेपाल की पूर्व महारानी राज ऐश्वर्य जी, लक्ष्मी। बिल्कुल वो BHU में पढ़े दोनों उस साथ। दोनों साथ साथ क्लासमेट थे बिल्कुल दोनों। तो पायलट बाबा के जो किस्से आप बता रहे हैं, वो दोनों किस्सों के बारे में पहले बताता हूँ कि देखिए, ये जो आप घटना बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाली घटना, ये भी सही है। और यहाँ पर इनके जो अपने पारिवारिक गुरु थे हरि बाबा, हाँ उनका चमत्कार इन्होंने देखा, और इनका विमान जो फंस गया था, इमरजेंसी थी, उसमें उन्होंने लैंडिंग कराई थी। उस समय चूंकि ये साइंस के स्टूडेंट रहे थे, फाइटर पायलट थे भारतीय वायुसेना में, तो इनको मतलब लगा कि कहीं हो सकता है एक संयोग हो, ठीक है ना, और एकदम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया। बहुत ज़्यादा मतलब आस्तिक भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा नास्तिक भी नहीं थे। बिल्कुल उसके बाद की घटना में ये गए सोवियत संघ उस समय, और वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी की यात्रा थी, और इंदिरा गांधी की ये पायलट थे। तो वहाँ पर गए तो मास्को हवाई अड्डे से थोड़ा ऊपर, थोड़ा पहले हवाई जहाज के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। चूंकि BVIP पैसेंजर था, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का सम्मान भी बहुत करते थे, और जैसा कि उन्होंने खुद बताया था मुझे, तो उनका कहना था कि इंदिरा गांधी मुझे बेटे की तरह मानती थी। तो इन्होंने जाके मैडम को बताया वहाँ अंदर, मतलब कि इनको मैसेज दिया होगा मैसेज ऐसी दिया कि स्थिति खराब है और दोनों इंजन फेल हो दोनों। गए, इंजन फेल हो गए। तो क्या हुआ कि वो मतलब इमरजेंसी मैसेज दिया गया, मास्को में दिया गया, सारी चीज़ें दी गई, लेकिन पायलट बाबा ने जो मुझे बताया था उनका कहना ये था कि मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, और इतनी ऊंचाई पे विमान था कि उसमें अगर बचने गिरता की तो कोई बचने की कोई उम्मीद थी नहीं। तो बोले जैसे ही मैंने मैडम को बताया, तो मैडम एक बोले रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी, और वो पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी ने उनको दी थी, तो उन्होंने उसको माथे से लगाया चुभा, और उसके बाद कहा कि आप जो है अपना काम कीजिए, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद ये कॉकपिट में आए, चूँकि सही जो को पायलट था वो था ही था, तो उसके बाद जब आए तो इनको दिखाई पड़ा कि इनके प्लेन के आगे एक कोई सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले पूरे सफ़ेद वस्त्रों में बहुत लंबे कद के कोई सज्जन जो है, वो उन्होंने हथेली लगा दी, और वो आश्चर्यजनक रूप से वो जो विमान था इनका वो लैंड कर गया। ये घटना हुई। इसके बाद इनको लगा कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति है, और पहले भी चूंकि वो उस तरीके की घटना हो चुकी थी। उसके बाद उनका 2-3 दिन का दौरा था, तो ये अपना सब लोग शॉपिंग वगैरह करने गए हुए थे वहीं मॉल में, तो वहाँ पे इनको कुछ मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें थी, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ में वो बाबा एक बार फिर दिखाई पड़े, वही बाबा।
वही आकृति दिखाई पड़ी, मतलब बाबा क्या उस समय तो ये आकृति थी, वो आकृति दिखाई पड़ी तो ये उनके पीछे पीछे भागे, थोड़ी दूर तक भागे लेकिन तब तक वो फिर अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद इन्होंने जो है इनके दिमाग में वो घटना गहरे तक घर कर गई और इनको लगा कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी तरफ बुला रही है, और उनका मन उचाट होने लगा। और वहाँ से जब लौट के आए, और लौट के आने के बाद इन्होंने उस समय विंग कमांडर की पोस्ट पे थे, और इन्होंने मैडम को बताया और अपने जो अधिकारी थे उनको बताया कि भाई हम जो है अब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि भाई आप उनकी फ्लीट में हैं तो इसलिए एक बार मैडम से भी आपको परमिशन लेनी होगी। तो मैडम के पास गए, इंदिरा जी के पास। इंदिरा जी ने इनको शहर स्वीकृति दे दी और कहा कि तुम्हारा रास्ता जो है भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा दूसरा रास्ता, जाइए सफल होइए, शुभकामनाएं दी। अब उसके बाद ये अब एक घटना फिर इनके साथ घटित हुई। वहाँ से करने के बाद फिर वो एक दिन बाबा इनको दिखाई पड़े तो इन्होंने मतलब अब वो ना तो बात कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई आप बार बार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बार बार आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, मेरा मार्ग प्रदर्शन मार्ग नहीं बता रहे हैं, क्या मुझे करना क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि मतलब इनके कानों में जो आवाज़ आई पिंडारी ग्लेशियर करके, अब ये जो है पिंडारी ग्लेशियर, अब मैं वो किस्सा बताता हूँ आपको। ये आगरा में आए हुए थे, उस समय आगरा दैनिक जागरण में था, चीफ रिपोर्टर था। तो आगरा में इन्होंने समाधि लेनी थी और पायलट बाबा ने अपने सनातन धर्म में और अभी आधुनिक जितने भी साधु संत हैं उसमें समाधि में जो उनका स्थान है वो किसी दूसरे का नहीं। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि ये जो किस्सा आप सुना रहे हैं ये रोंगटे खड़े करने वाली है, मेरी भी जो भूम से वो खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने तीन युद्ध लड़े। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की वो फ्लीट में आए 1973-74 की शायद बात है, और 1976 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और कहते हैं कि 1976 से लेकर और उनके 1996 तक लगभग 110 बार वो ऐसे समाधि में बैठे जिसको कहते हैं कि वो फिजिकली मृत हो गए थे। और वो मतलब जो उनके किस्से सुनते हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। तो वही जो आपने जब उनसे आगरा में बात की फिर आगे, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आगरा में इनको समाधि लेनी थी और वो 7 दिन की समाधि थी जमीन के अंदर, 40 फीट नीचे जमीन के अंदर। और उससे पहले ये दिल्ली में इन्होंने यमुना जी में समाधि ली थी। हाँ, उनके नाम कई समाधियाँ हैं उन्होंने। 110 समाधि जो मैं, हाँ, एक मतलब एयर टाइट ग्लास के बॉक्स में भी उन्होंने समाधि ली, जल के अंदर भी समाधि ली, और ये इनकी भू समाधि थी आगरा में। तो हम लोग कवरेज करने गए हुए थे तो समाधि से पहले हमारी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे विस्तार से बातचीत की। छोटा सा टेंट बना हुआ था, एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था एंटीना वाला। तो जब मैंने बातचीत की तब उस समय इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो मैंने कहा कि आप तो महायोगी हैं और योग की उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, एक योगी क्या कर सकता है उसके लिए? तो बोले कि ये कि योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और किसी भी अगर ये कि सच्चा योगी है तो वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति का 52 सेकंड के लिए दिमाग को पलट सकता है। तो मैंने कहा, चूँकि एक पत्रकार के नाते मैंने कहा कि आप तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का भी पलट सकते हैं। ये घटना शायद उस समय ये इराक और इराक ईरान के बीच में, नहीं, इराक में सद्दाम हुसैन वाला जो अमेरिका ने कार्रवाई की थी वो उस समय के बाद की घटना है, क्योंकि मुझे याद है मैंने वो सद्दाम हुसैन का जिक्र किया था उस समय। अच्छा। उस समय ये आगरा आए थे, तारीख वो जो डेट याद नहीं है और वो ईयर भी याद नहीं, उसी समय की बात। तो तमाम चीज़ें फिर वो बताने लगे कि इस तरीके से ऐसे समाधि में ये होता है, समाधि में वो होता है, और मतलब समाधि में आदमी अंदर की यात्रा करता है और वो फिजिकली डेड हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा कि बहुत से लोग जो है फर्जी टाइप की समाधि भी लगाते हैं, ऑक्सीजन पाइप लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं। तो कहने लगे कि आप ये तो आप पत्रकारों को इसीलिए बुलाया कि आप लोग चेक कीजिएगा क्या स्थिति, कैसी स्थिति है। और मैंने कहा प्रशासन भी अनुमति नहीं देता, तो खैर आगरा में प्रशासन ने अनुमति दी हुई थी उनको। और उस समाधि के बाद जब, तो मैंने कहा समाधि के बाद जब आप आएंगे तो फिर एक बार आपके फिर आपसे मुलाकात करने आएंगे, आपके दर्शन करने आएंगे। तो बोले कि देखिए समाधि के बाद तो आप, मैं तत्काल आप से नहीं मिल पाऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मिल पाएंगे, तो बोले कि इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा लोगों के बस की सहन करने की बात नहीं है। तब मैंने पूछा कि आप तमाम जो है फूल की मालाएं पहन के समाधि क्यों ली जाती है आप जिस तरीके, क्यों वो समाधि में जाने वाले थे तो तमाम मालाएँ थी और उसमें समाधि के अंदर भी तमाम फूल वूल पड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ये फूल वगैरह किस लिए किए जाते हैं? बोले उस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किए जाते हैं। खैर उस तरीके की बातें।
और फिर स्कूल उनकी कॉलेज के बारे में मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि चर्चा इस तरीके की है कि आपके साथ महारानी, बोले उस समय महारानी नहीं थी, उस समय वो स्टूडेंट थी और मेरी क्लासमेट थी, और सिंधिया घराने से वो थी उस समय। हाँ, तो वो सारी चीज़ें बताते रहे। उसके बाद जो है फिर उन्होंने वो समाधि ली, और समाधि लेने के बाद फिर वो आए, और समाधि लेने के बाद जब समाज से बाहर निकल के आए तो 24 घंटे तक वो किसी से मिले नहीं, एकांत में रहे। उसके बाद फिर वहाँ ने मतलब जो जनता आई हुई थी उसको संबोधित किया, जनता के साथ सारी चीज़ें की, तो तमाम चीज़ों के उस समय खुलासे करते रहे और कहने लगे कि ये मतलब सनातन के अंदर जो शक्ति है, सनातन धर्म में जो शक्ति है और एक ब्रह्मांड में ऊर्जा है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि आप साइंस के स्टूडेंट और वो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट और फाइटर जेट, और उसके बाद तो बोले कि देखिए एक ब्रह्मांड में एक एनर्जी है और सारा ब्रह्मांड एक एनर्जी से संचालित है। तो कहने लगे कि अब उस एनर्जी ने मुझे प्रभावित किया, और जब चूँकि जब तक मेरे साथ कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी तो मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन जिसके साथ होती है तो उसके साथ ही करती। अब दावा तो ये किया जाता है कपिल पायलट बाबा का कि देखिए पायलट बाबा जो है 7 साल तक, जो पिंडारी ग्लेशियर वाली मैं बात बता रहा हूँ, तो ये अब जब वहाँ इनको लगा कि पिंडारी ग्लेशियर में, तो मतलब पूरी तरीके से दिमाग बदल गया था। तो पिंडारी ग्लेशियर का पता करते 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 ये वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के पास पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ नदी में स्नान करने के बाद फिर लोगों से पूछा तो गडरियों ने, किसी ने जो भेड़ बकरी चराने वाले, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसी रास्ता पे आगे बढ़ते चले गए। कहा जाता है कि ये 7 वर्ष तक इन्होंने हिमालय में तपस्या की, और पायलट बाबा 10,000 से नीचे की ऊंचाई पर कब से नीचे आए ही नहीं, मतलब उन 7 वर्षों में 10,000 फीट की ऊपर ही ऊंचाई पर रहे, और करीब 1600 मील की उन्होंने यात्रा उस समय की, यह आप भी समझिए। तो मैंने उनसे, हाँ उस समय मैंने एक सवाल ये भी किया था, मैंने कहा कि ये पहाड़ों में ही लोग क्यों, योगी लोग जो है पहाड़ों में, हिमालय में ही क्यों तपस्या करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बोले कि आप जिसे पहाड़ या पत्थर का टुकड़ा या जो भी आप कहते हैं समझते हैं, ये अनंत ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर अनंत ऊर्जा समाहित है और ऊर्जा का पुंज है, तो इसको आप माउंटेन और पहाड़ मत कहिए, हिमालय और बड़े बड़े कंदराओं में योगी कहते हैं। उस समय पर उन्होंने मुझे एक और गुफा के बारे में, मैंने और पूछा था, तो मैंने कि और इस तरीके के जो बड़े महायोगी हैं वो कहाँ कहाँ हिमालय में किस किस जगह, तो उन्होंने बताया था कि तिब्बत में एक है ज्ञान मठ। हाँ, तिब्बत में कुछ वह हैं, ज्ञान मठ है, तो उन्होंने बताया था कि वो हजारों साल से तपस्वी कर रहे हैं और वहाँ पर बोले उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं वहाँ उम्र का नहीं, ठीक है, सब युवा हैं, चिरंजीवी हैं, सब उस तरीके से वहाँ पे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कि क्या अभी तक की मतलब जो जर्नी आपकी है उसमें आपका उन लोगों से संपर्क हो पाया, तो बोले कि नहीं हमारा शारीरिक संबंध नहीं हुआ, मतलब भौतिक तरीके से हम नहीं मिले आमने सामने, लेकिन मानसिक रूप से हमने, हाँ हमने उनसे मार्गदर्शन लिया और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। ये भी कहा जाता है कि अपने हिमालय प्रवास के दौरान पायलट बाबा को अश्वत्थामा से भी मुलाकात हुई। अब ये देखिए पिंडारी ग्लेशियर वाली में किस्सा बताता हूँ, तो जो उन्होंने बताया था पिंडारी ग्लेशियर में बोले हम चढ़ते चले गए और हमको पता ही नहीं था, गड़गड़िए जहाँ तक रहे ऊपर तक 7 तक रहे, तो थोड़ी एक ऊंचाई पे जाने के बाद जो है वो गड़गड़ी वगैरह भी चले गए लौट गए, तो बोले कि अब पूरा भूख प्यास से सारा परेशान हो रहे, तो मुझे पता ही नहीं थी कि मुझे करना क्या, क्योंकि नीचे आ नहीं सकते थे और ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना कोई रास्ता मिल रहा था, तो दूर खड़े हुए फिर वही बोले आकृति दिखाई पड़ी, हम वही सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले और सफ़ेद कपड़ों वाले, तो बोले कि वो आकृति दिखाई पड़ी और उन्होंने मुझे इशारे से बताया, तो मतलब करीब करीब 700-800 फीट और ऊपर की तरफ इशारा जो उन्होंने जिस जगह पे किया, तो बोले मैं उस तरफ चढ़ता चला गया, और शाम हो गई थी, भयानक सर्दी और बिना कपड़े वपड़े पहने हुए उस तरीके से, तो बोले कि वहाँ पर एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा के अंदर जो है एक झरना बह रहा था और वहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए थे, तो बोले वही देख के हम चकित हो गए कि हमको लगा कि मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है खाली बर्फ के अलावा वहाँ पे ये पौधे कैसे हैं, तो बोले कि भूख के मारे बुरा हाल था, बेसुध हो गए थे, तो वहीं पे उस कुछ पत्तियाँ खाई और पत्तियाँ खाने के बाद जो है वो वैसे जल को पिया और पत्ती खाने के बाद ऐसा लगा कि मतलब हम तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, भूख मिट गई। तो मैंने पूछा कि वो कौन महापुरुष थे, तो बोले कि वो महाअवतार बाबा थे और वही मतलब बाद में हमारे गुरु बने, वही पथ प्रदर्शक बने, उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद जो है इन्होंने, मैंने कहा आपने समाधि का निर्णय क्यों लिया, समाधि
तो बोले देखिए साधु संतों का काम होता है कि समाज के अंदर चेतना फैलाना, जागृति करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। माध्यम अलग अलग होते हैं, हमने समाधि पर किया और हम समाधि के माध्यम से लोगों में जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये हमने ये रास्ता चुना और हम उसके तरफ कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात और मेरे जो मन में आ रही है कि इतने बड़े सन्यासी हुए और उसके बाद उन्होंने कई आश्रम बनाए, बिहारद्वार में बनाया, उत्तरकाशी में बनाया, गंगोत्री में बनाया और कुछ विदेशों में भी सुनने में आया कि उनके बड़े बड़े आश्रम हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो उनका हरिद्वार में जो आश्रम है उसका जो टॉयलेट है वो 1 करोड़ रुपए का है। और बताते हैं कि वहाँ जो जर्मन से, रूस से तमाम उनके शिष्य आते हैं और कुंभ में वहीं रहते हैं। और जब वो कुंभ में स्नान करने के लिए जाते थे, अर्धकुंभ में या कुंभ में, तो उनका वो अलग ही एक काफिला निकलता था, एक उनका जो जुलूस है और वो भी एक दर्शनीय होता था, यानी लोग उस जुलूस को भी देखने आते थे। तो जो एक सन्यासी बन गए थे वो फिर कहीं ऐश्वर्य की तरफ नहीं, देखिए ये बाद में ये विवाद का विषय हो सकता है। बाद में बहुत से आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों का कहना यही है कि बाद में पायलट बाबा में भटकाव आया और जिस चीज़ों से वो दूर हुए थे उन्हीं चीज़ों की तरफ फिर आकर्षित हुए, कुछ विकार आए। उन्होंने कुंडली भी अपनी जागृत कर रखी थी लेकिन उस ऊर्जा को बाद में, क्योंकि उसको देखिए कुंडली की जागरण की एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर आप जागृत तो कर लेते लेकिन उसकी ऊर्जा को समेटना और संभाल के रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे कि आचार्य रजनीश का भी, उन्होंने भी की थी लेकिन वो उस स्तर तक नहीं संभाल पाए तो वो दूसरी तरफ धारा में मुड़ गए। बहुत से लोगों ने इस तरीके की, पायलट बाबा के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने किया था लेकिन चूंकि उस ऊर्जा को और उसको वो भटकाओ में की तरफ चले। जो पायलट बाबा हैं, क्योंकि उनका अभी देहांत हुआ, आज ही उनको समाधि मिली, तो चूंकि वो ऐसे पुरुष थे, महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, कि उनके बारे में चर्चा करना जरूरी थी। और अगर आपको हमारी इस प्रोग्राम से थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज मिली हो तो जरूर हमसे चर्चा कीजिए आगे इसी विषय में। और अगर आपके पास कोई और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐसी जानकारी हो जो हमको पता नहीं है या जो किताबों में छपा है या जो लोगों की जो खबरों में रही हैं, उसके अलावा कोई ऐसे जो आपके व्यक्तिगत कोई सुझाव, कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए डॉक्टर साहब नमस्कार।